हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम। सामिनल्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एलोवेरा जूस बनाएंगे जिसका सेवन हमें सुबह खाली पेट करना है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स मौजूद है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। इससे खून की कमी दूर होती है, खून शुद्ध होता है, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, एसिडिटी, गैस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, वेट लॉस होता है, बाल अच्छे होते हैं, हमारे स्किन में ग्लो आता है, ड्यूटियाँ बहुत देरी से आती है और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। सो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक लीफ लिया है एलोवेरा की, उसको मैंने काट लिया है। इसके एजेस हम एकदम अच्छे से निकाल देंगे और ऊपर का पोर्शन भी निकाल देंगे। ये देखिए, हमने पूरा जेल इकट्ठा कर लिया है। इसको एक जार में डालेंगे। इसमें हम भुना जीरा डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, अदरक लिए 1/4 टेबल स्पून, उसको कद्दूकस किया है, नींबू 1/2 टेबल स्पून, नींबू का जूस और 1/2 ग्लास मैंने पानी डाला है। इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, अब हम एक जार लेंगे, उसमें इसको एकदम अच्छे से छान लेंगे जूस को। आप चाहो तो और पानी डाल के उसको फिर से ग्राइंड कर लीजिए और छान लीजिए। जूस को छान लिया है, अब हम एक ग्लास लेंगे जिसमें 1/4 ग्लास हम एलोवेरा जूस डालेंगे और उसका डबल पानी डालेंगे, मतलब 1/2 ग्लास जितना। और ये काला नमक है 1/4 टेबल स्पून, जितना मैं स्प्रिंकल करूंगी। आप चाहो तो कम ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कीजिए। पुदीने की पत्तियों से और नींबू से आप इसको गार्निश कीजिए एंड सर्व इट। इट्स रियली वेरी हेल्दी एंड टेस्टी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और भी रेसिपीज आ रही है। थैंक यू।